दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग संबंध एवं फलन पर पढ़ रहे हैं। संबंध एवं फलन में हमने पिछली वीडियो में आपको संबंध क्या होता है, संबंध कैसे बनते हैं और संबंध से हमने प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालना सीखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज लिस्ट में जा करके जरूर देखें। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे, जिसमें पहली सवाल आपके सामने है कि एक समुच्चय है ए, जिसमें अवयव है 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, 14 तक है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो संबंध है R वो इस प्रकार है कि ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म X और Y जो है वो किस प्रकार है कि 3x-y बराबर क्या होता है, 0 होता है, जिसमें X और Y दोनों ही कहां से लिए गए हैं, A से लिए गए हैं। तो क्या प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग अगर आप समझे तो प्रतिचित्रण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्रतिचित्रण। देखिए प्रतिचित्रण क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय है, ठीक है ना, ए, और हमारे पास क्या है, दूसरा समुच्चय है हमारे पास क्या है, वो भी ए ही है। उन्होंने कहा है कि जो संबंध है वो किससे है, आर टू आर है, ए टू ए है, समझ रहे ना, जो रिलेशन है वो क्या है, ए टू ए, क्योंकि एक्स भी ए में है और वाई भी कहाँ है, ए में है, इसलिए जो संबंध है वो ए टू ए में है। तो ए में कितने अवयव हैं, 1 से लेकर कितने तक 14 तक अवयव हैं, ठीक है। अगला क्या है, इसमें भी हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 ऐसे कहां तक अवयव हैं, 14 तक अवयव हैं। उन्होंने कहा है कि इस ए का, इस ए में जो संबंध है वो कैसे है, 3x-y बराबर क्या है, 0। अर्थात अगर आप इसे हल करके लिखे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर एक्स की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, अगर x की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। देखिए x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। इसी प्रकार यदि x का मान क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 3 6 क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। अगर इसी प्रकार हम लोग क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 3 3 कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 4 3 कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो 5 3 क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, जो कि हमारे इस समुच्चय में है ही नहीं, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा कि जो संबंध है वो किस प्रकार का है, 1 का 3 से है, 2 का 6 से है, 3 का किससे 9 से है, 4 का किससे है 12 से है, ठीक है ना। ये हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे। देखिए हमने जो R लिखा है उसमें ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर। कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, पहला है 1 आएगा, फिर कौन आएगा, 3 आएगा, दूसरा कौन आएगा, 2 आएगा, और कौन आएगा, 6 आएगा, फिर कौन आएगा, 3 आएगा, और कितना आएगा, 9 आएगा, अगला कौन आएगा, 4 आएगा, फिर कौन आएगा, 4 के बाद कौन, 4 के साथ आएगा 12, ठीक है ना, और कोई नहीं आएगा। देखिए यहाँ इसे हमने प्रतिचित्रण के माध्यम से भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपका ये जो समुच्चय बना है, संबंध का समुच्चय बना है, वो क्या है, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4 और 12 है, ठीक है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना है, फिर क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है, फिर क्या ज्ञात करना है, सहप्रांत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सहप्रांत। देखिए ध्यान से, अब अगर हम लोग देखें प्रांत क्या होगा, तो प्रांत हमने आपसे क्या कहा था, समुच्चय ए के, क्या, समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए के जो अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे, समुच्चय बी के जो अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे, सहप्रांत कहलाएंगे, और समुच्चय ए के जिन अवयवों से समुच्चय बी के अवयव संबंधित होंगे, समुच्चय बी के अवयव समुच्चय ए के जिन अवयव से संबंधित होंगे वह उसका परिसर कहलाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या लिखना है, प्रांत लिखना है, फिर क्या लिखना है, परिसर लिखना है, फिर क्या लिखना है, सहप्रांत। तो देखिए प्रांत में कौन कौन से लिखे जाएंगे, समुच्चय ए के अवयव लिखे जाएंगे, वो कौन है, 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 और कौन, 4। इन्हीं ने तो क्या बनाए हैं, संबंध बनाए हैं, जो संबंध बनाए हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रांत। जिनसे बनाए हैं वो क्या कहलाएंगे, परिसर। जिनसे बनाए हैं वो क्या कहलाएंगे, परिसर। और समुच्चय बी का सब अवयव,
सप्रांत में गिना जाएगा, अर्थात यहाँ एक से लेकर कहाँ तक, एक दो तीन चार पाँच, ये पूरा कहाँ तक, 14 तक, ये हमारा क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए फिर से, सबसे पहली बात तो प्रांत कैसे निकालेंगे आप, प्रांत वह होता है जिस प्रांत समुच्चय ए में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, समुच्चय ए में पाया जाता है, और जो जो अवयव दूसरे समुच्चय से संबंध बनाता है वो उसका क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, जिससे बनाता है वह परिसर कहलाता है, और दूसरे समुच्चय के सभी अवयव ही उसके क्या कहलाते हैं, सहप्रांत कहलाते हैं। पहले प्रश्न का ये रहा आंसर, ठीक है। दूसरे प्रश्न में कहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर, मतलब दूसरे सवाल में उन्होंने कहा है कि जो संबंध आर है वो किस पर है, प्राकृतिक संख्याओं पर है, और वो इस प्रकार है कि क्रमित युग में x और y जो है वो इस प्रकार संबंधित है कि y बराबर जो है वो x प्लस क्या है, 5 है, और उन्होंने आगे लिखा है x संख्या जो है वो 4 से कम है, 4 से क्या है, कम, एक प्राकृतिक संख्या है, एक कम प्राकृत संख्या है। आगे उन्होंने कहा है x और y, यक्स और वाई इज द एलिमेंट ऑफ यन, यक्स और वाई इज द एलिमेंट ऑफ यन, कहा है द्वारा एक संबंध परिभाषित कीजिए, इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए, ठीक है ना। इसे हमें कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद इसमें से प्रांत और परिसर भी लिखना है। सबसे पहली बात तो यहाँ समझ लीजिए कि जो यक्स है और जो वाई है वो दोनों कहाँ से लिया गया है, यन से, यन उन प्राकृतिक उन संख्याओं का समुच्चय होता है, मतलब जिन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं, एक दो तीन चार, ये सब हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर ये फलन हमारा क्या है, परिभाषित है, और यक्स यक्स समुच्चय का पहला अवयव, वाई समुच्चय का दूसरा अवयव, दोनों इसी यन में से लिए गए हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि जो संबंध है वो किस प्रकार है, जो वाई है वो यक्स का क्या है, यक्स से 5 ज्यादा है, जो y है वो x से कितना है, 5 ज्यादा है। मतलब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसे क्या लिखें, इसकी ऑर्डर पेयर लिखना शुरू करें, तो x का मान हम लोग कितना ले लेते हैं, 1, कितना ले लेते हैं, 1, अगर x का मान 1 लेते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 6। आगे बढ़े, अगर x का मान क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, अगर x का मान क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो y का मान कितना मिलेगा, 7। दो यहाँ रखेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर x का मान 3 लेते हैं, 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। फिर आगे बढ़े, अगर हम लोग यहाँ 4 लेते हैं तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। आगे देखिए, हम 4 के आगे इस वजह से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है जो x संख्या है वो 4 से क्या है, कम प्राकृतिक संख्या है, इसी वजह से हमने क्या लिखा है, 4 को भी नहीं लिखेंगे, किसे, 4 से कम, 4 के बराबर भी तो उन्हें बोलना चाहिए था ना, तो संख्या 4 से कम, तो इसीलिए हमने क्या लिया है, 4 को भी इंक्लूड नहीं किया। हमने क्या क्या रख दिया है, 1 लिया है, 2 लिया है और 3 लिया है। तो ये बन के आ गया हमारे पास जो क्रमित युग्म आया है वो कौन है, 1 6 है, 2 7 है, 3 और क्या है, 8 है। प्रांत की बात करें, किसकी बात करें, प्रांत की, तो प्रांत जो हो जाएगी हमारी क्या, डोमेन, क्या हो जाएगी, डोमेन, वो क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी 1 2 और कौन, 3, ठीक है। अगला क्या है, परिसर, क्या लिखना है हमें, परिसर, परिसर क्या हो जाएगा हमारा, परिसर को अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं, और जो रेंज हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 6 7 और कौन, 8। आगे हमें क्या ज्ञात करना है, सहप्रांत, क्या ज्ञात करना है, सहप्रांत, तो सहप्रांत को को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन क्या हो जाएगी हमारी, पूरा यन, क्या हो जाएगा, पूरा यन, ठीक है ना। ये हमारा क्या रहा, प्रांत, ये परिसर, और ये क्या रहा, सहप्रांत। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होता है, हल होता है, ठीक। प्रश्न संख्या 3 है ए, 1 2 3 5, उन्होंने समुच्चय लिखा है 1 2 3 और 5, दूसरा समुच्चय उन्होंने क्या लिखा है, बी, दूसरा समुच्चय उन्होंने लिखा है बी, कह रहे हैं 4 6 और 9, 4 6 और 9,
कह रहे हैं ए से बी में एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर समुच्चय आर क्रमित युग्म एक्स और वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर एक्स और वाई का अंतर क्या है विषम है अंतर क्या है विषम अंतर क्या है विषम है और जहां एक्स जो है वो एलिमेंट है ए का और वाई इज द एलिमेंट क्या है आप बी है द्वारा परिभाषित कीजिए आर को रोस्टर रूप में भी लिखिए। देखिए सबसे पहली बात तो हमारे पास इस बार दो समुच्चय है पहला कौन है ए दूसरा कौन है बी जो एक्स है वो कहां से लिया गया है ए से लिया गया है और जो वाई है वो कहां से लिया गया है बी से लिया गया है यहां देखिए बात हो रही है ना एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी तो एक्स जो है वो कहां से लिया गया है ए से लिया गया है और वाई कहां से लिया गया है बी से लिया गया है और यहां जो हमें संबंध लिखना है उस संबंध में ये बात लिखनी है कि एक्स और वाई का जो अंतर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए विषम होना चाहिए। देखिए लिखना शुरू करते हैं। देखिए अगर x का संबंध अगर हम लोग एक को एक और चार का संबंध बनाते हैं तो एक और चार का जो संबंध होगा वो क्या होगा विषम होगा चार में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा अर्थात एक और चार से संबंध बन सकता है दो का चार से नहीं बनेगा तीन का चार से बन सकता है इसी प्रकार पांच का चार से बन सकता है ठीक है एक का छह से बन सकता है एक का चार से भी तो बन सकता है तो एक का चार से हमने बना लिया है एक का छह से बन सकता है छह में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा पांच एक का नौ से नहीं बन सकता दो का चार से नहीं बन सकता दो का छह से नहीं बन सकता दो का नौ से बन सकता है दो का नौ से बन सकता है देखिए दो और नौ का अंतर कितना हो जाएगा सात हो जाएगा तीन का चार से बन सकता है तीन का चार से देखिए तीन का चार हमने अच्छा लिख लिया है तीन का छह से नहीं बन तीन का छह छह तीन नौ ठीक है बन सकता है तीन का छह से भी बन सकता है तीन का नौ से नौ में से तीन गए छह नहीं बनेगा पांच का चार से बना लिया हमने पांच का छह से पांच का छह से पांच का छह से बनेगा पांच और छह का अंतर एक पांच का नौ से नौ में से पांच गए चार नहीं बनेगा ये रहा आपका क्या आर संबंध आर संबंध आर में जो क्रमित युग्माएं हैं वो कौन कौन से हैं एक चार है तीन चार है पांच चार है एक छह है दो नौ है तीन छह है और कौन है पांच छह है हमें यहां क्या लिखना है प्रांत लिखना है और क्या लिखना है परिसर लिखना है क्या लिखना है परिसर देखिए प्रांत क्या हो जाएगा एक तीन पांच एक तीन पांच फिर से एक आ गया नहीं लिखा जाएगा दो लिखा जाएगा तीन आ गया पांच आ गया अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे एक दो तीन चार और पांच देखिए एक दो तीन चार नहीं आया चार नहीं ठीक है कौन पांच ये रहा आपका क्या प्रांत आगे देखिए परिसर कौन है परिसर में कौन कौन आ रहा है परिसर में पास चार आ रहा है छह आ रहा है नौ आ रहा है चार आ रहा है छह आ रहा है और ये नौ आ रहा है ठीक है ना अगर हम लोग क्या बात करें सहप्रांत की बात करें तो सहप्रांत में हमारा पूरा दूसरा समुच्चय आ जाएगा जो कौन है बी है ठीक है ना तो ये रहा आपकी रोस्टर फॉर्म में यहाँ देखिए एक चार तीन चार पाँच चार एक छः दो नौ तीन छः पाँच छः ये हमारा क्या है जब समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्टक में कॉमा के साथ लिखा जाता है वो समुच्चय की कौन सी फॉर्म कहलाती फॉर्मेट रोस्टर फॉर्मेट कहलाती है इसमें से हम लोगों ने क्या लिख लिया है प्रांत और परिसर लिख लिया ये हमारा रहा प्रांत और ये हमारा रहा क्या परिसर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या चार देखिए प्रश्न संख्या चार में उन्होंने कहा है कि एक आकृति सामने बनाई गई है आकृति 2.7 में समुच्चय पी क्यू एक संबंध दर्शाती है इस संबंध को समुच्चय निर्माण विधि रोस्टर विधि में लिखिए तथा इसका प्रांत और परिसर क्या है यह भी बताइए सबसे पहले तो हम लोग सवाल नंबर चार का क्या आपके सामने चित्र बना देते हैं ये रहा पी समुच्चय और ये दूसरा समुच्चय कौन है क्यू है पी में पाँच है छः है सात है और यहाँ क्यू में तीन है चार है पाँच है कह रहे हैं कि संबंध में पाँच जो है वो तीन से संबंधित है छः चार से संबंधित है सात पाँच से संबंधित है तो सबसे पहली सवाल उन्होंने कहा है कि इस संबंध को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखिए तो यहाँ देख पा रहे हैं आप पाँच का तीन से संबंध है
तो यहां जो है वो कैसे संबंध है, 5-3 से संबंधित है, 6-4 से संबंधित है, 7-5 से संबंधित है। तो आप देख रहे हैं जो यक्ष है वो 2 कम है वाई से, समझ रहे हैं ना। हम लोग इसे कैसे लिख देते हैं, लिखते हैं कि क्या संबंध R जो है वो इस प्रकार परिभाषित है, क्या संबंध जो R है वो इस प्रकार परिभाषित है कि क्रमित युग्म X और Y, कौन क्रमित युग्म X और Y, सच दैट Y जो है वो क्या है, X से 2 कम है। Y जो है वो क्या है, X से 2 कम है। देखिए X का मान आप 3 रखो, 3 में अच्छा आप Y का मान रखोगे ना, y का मान रखो, x ले लो, ठीक है ना। ऐसे कैसे, x जो है वो बराबर है y प्लस कितना 2 अगर करेंगे तो y का मान कितना, अगर 3 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 4 रखेंगे, अगर y का मान 4 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 6, सही है, ठीक है ना, ये फॉर्मेट एकदम फिट है। तो आगे हम लोग लिखेंगे क्या, आगे लिखेंगे जहां x बिलोंग्स टू p एवं y belongs to q, ठीक है ना। x का मान कहां से रखा जाएगा, p से रखा जाएगा, और y का मान कहां से रखा जाएगा, q से रखा जाएगा। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कौन सी विधि है, में समुच्चय निर्माण विधि में है, ठीक है ना, कि x की जो वैल्यू है वो y से क्या है, 2 ज्यादा है। आगे देखिए इसी फॉर्मेट को हमें कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्मेट में। तो रोस्टर फॉर्मेट में सीधा लिखिए, पहले समुच्चय क्या हो और जिससे वो संबंधित है, दूसरा लिखिए कौन, 6 और 4, अगला कौन, 7 और 5। ये रही कौन सी फॉर्मेट, रोस्टर फॉर्मेट, ठीक है ना। आप लोगों को इससे क्या लिखना पड़ेगा, प्रांत लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, परिसर। देखिए प्रांत क्या हो जाएगा हमारा, प्रांत हो जाएगा 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। परिसर क्या हो जाएगा, 3, 4 और 5, ठीक है। ये रहा आपका प्रांत 5, 6, 7 और परिसर 3, 4 और 5, ठीक है। देखिए ये रहा प्रश्न संख्या 4 का हल। सबसे पहले तो हमने क्या निकाल दिया, उसका समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में लिख दिया है। आगे उन्होंने क्या कहा है, दूसरे में उसे उसी फॉर्मेट को कैसे लिखिए, रोस्टर विधि में लिखिए, फिर प्रांत ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, मान लीजिए कि A एक समुच्चय है जिसमें अवयव हमारे पास क्या है, एक समुच्चय है उसमें अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आगे उन्होंने क्या कहा है, मान लीजिए कि संबंध R A पर इस प्रकार है कि क्रमित युग्म A और B, सच दैट ए बी इज द एलिमेंट ऑफ ए, ए बी इज द एलिमेंट ऑफ ए। और आगे उन्होंने कहा है कि जो संख्या ए है, संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, यथावत विभाजित करती है, ठीक है। आगे देखिए उन्होंने पूछा है पहली सवाल कि संबंध R को रोस्टर रूप में लिखिए, R का प्रांत ज्ञात कीजिए, R का परिसर भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लोगों को जो इन्होंने संबंध दिया है, ये जो संबंध है वो किस प्रकार का है, ये संबंध जो लिखा है वो समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में है। हम इस संबंध को सबसे पहले रोस्टर फॉर्मेट में लिखेंगे। देखिए उन्होंने कहा है कि ए जो है वो बी को क्या करती है, यथावत विभाजित करती है, और ए और बी दोनों ही कहां से लिए गए हैं, ए से लिए गए हैं। अगर आप इसका प्रतिचित्रण बना के देखें तो ध्यान से देखिए, प्रतिचित्रण हम बना रहे हैं आपके लिए, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए। इसमें भी हमारे पास अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहां भी अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। उन्होंने कहा है संख्या ए जो है वो बी को यथावत विभाजित करती है, तो निश्चित रूप से एक को एक क्या करेगा, विभाजित करेगा। आगे उन्होंने कहा है अच्छा ये बात है, तो इस वाली बात में एक को दो भी तो विभाजित करेगा, एक तो क्या करेगा, पहली संख्या दूसरी को विभाजित करती है, मतलब ये सबको विभाजित करेगा, एक किसे, 4 को भी, एक किसे, 5 को भी, एक किसे, 6 को भी, ठीक है।
लेकिन क्या दो एक को विभाजित करेगा? नहीं, यथावत विभाजित करे, पूरी तरह विभाजित करे। दो किसे विभाजित करेगा? दो को। दो और किसे विभाजित करेगा? चार को। दो और किसे विभाजित करेगा? तीन को। तीन किसे? तीन को। और किसे? छः को। चार केवल चार को, पांच केवल पांच को, छः केवल छः को। अर्थात इसकी जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, एक का संबंध किससे? एक से। एक का संबंध दो से। एक का संबंध तीन से। एक का संबंध चार से। एक का संबंध पांच से। एक का संबंध छः से। दो का संबंध दो से। दो का संबंध चार से। दो का संबंध छः से। तीन का संबंध तीन से। तीन का संबंध छः से। और इसी प्रकार चार का चार से। पांच का पांच से। छः का छः से। ठीक है ना? ये जो संबंध है वो किस पे है? ये समुच्चय निर्माण विधि में है। ठीक, इसे हमने कैसे लिख दिया है? रोस्टर फॉर्मेट में लिख दिया है। देखिए, हमें यहाँ दूसरी सवाल उन्होंने कहा था प्रांत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रांत ज्ञात कीजिए। तीसरी सवाल उन्होंने कहा था परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिसर। तो प्रांत हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, सभी अवयव क्या बना रहे हैं? संबंध बना रहे हैं, इसलिए समुच्चय ए ही हमारा क्या हो जाएगा? प्रांत। और जो परिसर होगा वो समुच्चय ए ही होगा, क्योंकि ये क्या है? प्रत्येक अवयव इसके अवयव से क्या है? संबंधित है, इसलिए परिसर भी हमारा क्या होगा? ए होगा। ठीक है, उन्होंने हमसे क्या कहा था? ए हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें संबंध इस प्रकार है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी को पूरी तरह क्या करती है? विभाजित करती है। इसे हमने क्या लिख दिया है? इसे हमें रोस्टर फॉर्मेट में लिखा है, और यहां से हमने क्या लिख दिया? प्रांत लिख दिया, और क्या लिख दिया है? परिसर लिख दिया है। देखिए, प्रश्न संख्या छह की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या छह है कि संबंध R क्या है? संबंध R समुच्चय में x ब्रैकेट में x प्लस पांच, सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है हमारे पास? जीरो, एक, दो, तीन, चार और क्या है? पांच द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत और क्या ज्ञात कीजिए? परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए, उन्होंने यहाँ हमें फिर से एक सवाल दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें है x, और x से पांच ज्यादा है, और जो x है वो कहाँ से बिलोंग करता है? जीरो से लेकर पांच तक की संख्याओं से। तब बताइए इसका प्रांत क्या होगा और इसका परिसर क्या होगा? सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट को बदल करके रोस्टर फॉर्मेट में लिखनी पड़ेगी। चलिए रोस्टर फॉर्मेट में लिखते हैं। x की वैल्यू अगर हम लोग जीरो लेते हैं, देखिए अगर हम लोग यहाँ जीरो लेते हैं तो जीरो में पांच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पांच। तो ये रहा हमारा क्या? पहला क्रमित युग्म। आगे देखिए, अगर हम लोग x का मान एक लेते हैं तो y का मान सीधा हो जाएगा कितना? छः, क्योंकि पांच और एक कितना होता है? छः। आगे देखिए, यदि हम लोग इसका मान दो लेते हैं तो दो और पांच कितना हो जाएगा? सात। आगे बढ़े हम लोग तीन लेते हैं तो तीन और पांच कितना हो जाएगा? आठ। आगे देखिए, चार और ले तो चार पांच कितना हो जाएगा? नौ। अगर हम लोग पांच लेते हैं तो पांच पांच कितना हो जाएगा? दस। ये रहा संबंध R की कौन सी फॉर्मेट? रोस्टर फॉर्मेट। ठीक है, रोस्टर फॉर्मेट मिलने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? प्रांत। उसके बाद क्या लिखेंगे? परिसर। प्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रांत हमारे पास कौन हो जाएगा? जीरो, एक, दो, तीन, चार और पांच। परिसर में क्या और कौन होगा? पांच होगा, छः होगा, सात होगा, आठ होगा, नौ होगा, और कौन होगा? दस होगा। ये हमारा रहा क्या? प्रांत। और ये हमारा क्या रहा? परिसर। परिसर वही होता है जिससे समुच्चय ए के अवयव संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते हैं मतलब समुच्चय बी के वे अवयव जिससे ए क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, परिसर कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या सात क्या है। प्रश्न संख्या सात में उन्होंने कहा है कि जो संबंध R है वो इस प्रकार परिभाषित है कि क्रमित युग्म x और x क्यूब है। हमारे पास जो संबंध R है वो इस प्रकार है कि x और क्या है? x क्यूब है। आगे उन्होंने कहा है x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। जो x है, सच दैट x संख्या
दस से कम अभाज्य संख्या है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इसे सिर्फ और सिर्फ रोस्टर फॉर्मेट में लिखिए। कैसे लिखिए? रोस्टर फॉर्मेट में, कुछ भी नहीं करना है, रोस्टर फॉर्मेट में लिखना सबसे आसान तरीका है। कैसे? यक्ष संख्या 10 से कम भी है और कैसी है? अभाज्य भी है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से एक से बड़ी, वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए, अगर हम लोग अभाज्य संख्या लिखें 10 से कम, तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, उसके बाद 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारे पास ये सिर्फ 4 संख्याएं हैं। देखिए, हम अगर क्रमित युग्म लिखना शुरू करें तो सबसे पहले यहाँ क्या लेंगे? 2 ले लेंगे। अगर यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी तो 2 आएगा, और वो 2 का क्या हो जाएगा? क्यूब, मतलब कितना? 8 हो जाएगा। आगे देखिए, यदि हम लोग यहाँ 3 लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ कितना लेते हैं? 4 लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अच्छा, सॉरी, गलत हुआ कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ हमें कितना लेना चाहिए? 5 लेना चाहिए। तो यहाँ आंसर कितना होगा? 125, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग 5 के बाद क्या लेंगे? 7 लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 343। ये रहा आपके समुच्चय की कौन सी फॉर्मेट, संबंध की कौन सी फॉर्मेट? रोस्टर फॉर्मेट, ठीक है। आप इससे प्रांत लिख भी सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? परिसर भी लिख सकते हैं। समुच्चय ए के या पहले पहले जो अवयव लिखे हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। और जो बाद में लिखे हैं दूसरे दूसरे अवयव, ये सब क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए एक समुच्चय ए यक्स वाई जेड, समुच्चय ए है, उसमें अवयव यक्स है, वाई है, और कौन है? जेड है। कह रहे हैं बी में हमारे पास जो समुच्चय है वो क्या है? एक है, और कौन है? 2 है। कह रहे हैं ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए से बी में संबंधों की क्या ज्ञात कीजिए? संख्या। देखिए, हमने आपको जब संबंध एवं फलन पढ़ाना शुरू किया था, तो आपको क्रमित युग्म निकालना बताया था कि यदि किसी समुच्चय में P अवयव है और किसी दूसरे समुच्चय में क्या है? Q अवयव है, तो कुल जो संबंधों की संख्या होगी वो क्या होगी? PQ होगी। क्या होगी? अच्छा, सॉरी, संबंधों की संख्या नहीं, कुल क्रमित युग्म जो होगा वो क्या होगा? PQ होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि कुल संबंधों की संख्या की बात करें, कुल संबंधों की संख्या की बात करें तो वो होगा 2 की पावर PQ, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ कुल संबंध क्या हो जाएगा? 2 की पावर PQ। तो यहाँ देखें हम लोग, तो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है हमारे पास? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या है हमारे पास? 2 है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्या? टोटल ऑर्डर्ड पेयर, कुल क्रमित युग्मों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3 × 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो कुल संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या हो जाएगी हमारे पास 2 की पावर कितना 6। दो की पावर 6 को सॉल्व करना चाहें तो 2 की पावर 6 को आप क्या कर लीजिए? हल कर लीजिए। कैसे? 2 × 2 × 6 बार रहेगा। कितनी बार? 6 बार, 3, और ये 3, 2 × 4 × 8, और ये भी कितना? 8। तो 8 हटाए कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। कुल कितने संबंध बनाए जा सकते हैं? 64 संबंध बनाए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न संख्या 9। मान लीजिए R जो एक संबंध है वो Z पर है। किस पर है? Z पर। संबंध R Z पर इस प्रकार परिभाषित है कि उन्होंने कहा है कि जो रिलेशन है उसमें क्रमित युग्म A और B, क्रमित युग्म कौन? A और B, such that A कॉमा B इज द एलिमेंट ऑफ Z, कॉमा A माइनस B एक पूर्णांक है। A क्या है? पूर्णांक है।
द्वारा परिभाषित एक संबंध है। आर के प्रांत तथा क्या लिखिए, परिसर लिखिए। आर के प्रांत तथा क्या लिखिए, परिसर लिखिए। ध्यान से देखिए, जेड सबसे पहले तुम्हें क्या सीखना है, जेड से लिए गए हैं, जेड से लिए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो ए माइनस बी है वो क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो जेड की बात करें अगर हम लोग, तो जेड जो होता है वो पूर्णांक को प्रदर्शित करने का क्या है, एक चिन्ह है। जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं यन से, धन पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं आई प्लस से, ऋण पूर्णांकों को आई माइनस से, इसी प्रकार रियल नंबर को आर से, वास्तविक संख्याओं को, उसी प्रकार से पूर्णांकों को प्रदर्शित करने के लिए हमने जो चिन्ह बनाया है वो किसका है, जेड का है। तो जेड में कौन कौन से पूर्णांक आ सकते हैं, आप समझ लीजिए कि क्या, जीरो से इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ठीक है, यहाँ कौन एक दो और कौन तीन, ये सब ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। उन्होंने कहा है कि जो क्रमित युग्म ए और बी है, जो क्रमित युग्म ए और बी है वो दोनों ही जेड से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, जेड से ही लिए गए हैं। देखिए ये भी जेड है और ये भी कौन है, जेड है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस तीन माइनस दो, यहाँ से हम समझा रहे हैं आपको, देखिए माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक दो तीन चार, इसी प्रकार यहाँ भी माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो तीन चार। अगर आप देखें तो जो संबंध है वो कहाँ से कहाँ में है, जेड से जेड में ही है, क्योंकि ए भी जेड में है और बी भी जेड में है। तो ए और बी को घटाएंगे तब भी तो हमें क्या मिलेगा, माइनस तीन में से माइनस तीन घटाएंगे तो जो मिलेगा वो भी पूर्णांक होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सर जीरो मिलेगा, तो जीरो भी क्या होता है, शून्य पूर्णांक होता है। ठीक है, तो आप जब क्या करेंगे, किसी भी में से, किसी संख्या में से, वे किसी संख्या को घटाएंगे तो आपको सदैव क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। जैसे दो, दो में से क्या घटा लीजिए, माइनस से घटा लीजिए तो आंसर क्या मिलेगा, तीन, जो कि क्या है, पूर्णांक है, तीन है। तीन में से चार घटा लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एक, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। अर्थात जेड के सभी अवयव इसके अवयव से क्या हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सभी, आप चाहे जो अवयव घटाओगे, चाहे जो अवयव पकड़ के घटाओ, माइनस दो को घटा लो एक से तो आंसर हो जाएगा कितना, माइनस तीन। ठीक है, तो भी क्या हमारे पास, पूर्णांक है, चाहे वो प्लस में हो, चाहे किस में हो, माइनस में हो, तो वो भी हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। इसलिए इस संबंध में हमने जो प्रांत लिखना है और क्या लिखना है, परिसर लिखना है, वो सब हमारे लिए क्या कहलाएगा, जेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ए माइनस बी भी एक क्या है, पूर्णांक है। ये बात क्या है, सत्य है, कहीं भी गलत नहीं हो रही है। अगर आप क्या करें, चार में से चार घटा दें तो जीरो आएगा, जीरो भी क्या है हमारे पास, एक पूर्णांक है। इसलिए यहाँ जेड का सभी अवयव इस जेड के सभी अवयव से क्या है, संबंधित है। इसलिए यह, इसलिए पहले समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं, और जिससे संबंधित होते हैं उस वो क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। तो ये रहा क्या आपका, परिसर और प्रांत। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 का हमने पूरा हल कर लिया है। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।